हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश की हनी ड्यू बुक का सेकंड चैप्टर द सुनामी। तो व्हाट इज सुनामी? सुनामी जो है बड़ी ही लार्ज पावरफुल वेव्स होती हैं जो सी के अंडर अर्थक्वेक आने के वजह से होती हैं। और पर्टिकुलरली जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो है 26 दिसंबर 2004 में जो सुनामी आई थी, जिसने थाईलैंड और इंडिया के कुछ पार्ट्स को इफेक्ट किया था, और उनमें से एक पार्ट था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और तमिलनाडु कोस्ट को भी गया था। पर पहले हम अंडमान और निकोबार आइलैंड के बारे में इसमें पढ़ेंगे कि इसमें कैसे कैसे लोग सरवाइव किया लोगों ने और उनके करेज की स्टोरीज। साथ ही इस स्टोरी में हमें यह भी समझना है क्या एनिमल्स को सुनामी या अर्थक्वेक आने की पहले से आशंका हो जाती है, पहले वो वॉर्न कर सकते हैं, कुछ स्टोरीज ऐसा भी बताती हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है कहाँ। तो जो मैप आप देख रहे हैं ये अंडमान और निकोबार आइलैंड का है। ये एक ग्रुप है आइलैंड्स का, ऐसा नहीं कि एक ही लैंड हो, बीच में कई जगह ब्रेक्स हैं, मतलब कई जगह वाटर है फिर लैंड है फिर वाटर है फिर लैंड है, मतलब ऐसा रोड वगैरह नहीं है कि पूरा अपने जैसे स्टेट हो। ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। इनमें से एक आइलैंड है नैनकॉरी, ये निकोबार आइलैंड का ग्रुप है, और कैचॉल ये एक आइलैंड है अंडमान ग्रुप पे, और ये दोनों बहुत दूर दूर हैं। पर इस स्टोरी में इनके बारे दोनों के बारे में बताया जाएगा, तो हमें ये पता होना चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी। ये स्टोरी दो पार्ट में, आज हम इसका फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे। इस पार्ट में जो स्टोरीज हैं वो अंडमान और निकोबार आर्किपेलागो पे है। आर्किपेलागो मतलब एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड हों और आसपास पूरे में सी हो। तो जो पहली स्टोरी है उसका कैरेक्टर है इग्निशियस। इग्निशियस मैनेजर है कोऑपरेटिव सोसाइटी में कचौहल में। उसकी वाइफ उसे सुबह सुबह 6 बजे उठाती है और वो कहती है मैंने अर्थक्वेक फील किया, अर्थक्वेक से जो थोड़े बहुत झटके आते हैं वो फील किया। तो इग्निशियस ने बड़े ही आराम से अपनी जो टेलीविजन थी वो टेबल पर रखी हुई थी, टेबल से नीचे रख दी, जिससे अगर थोड़े बहुत झटके और आए तो वो टेबल से गिर कर टूट ना जाए, और उसकी फैमिली पूरी हाउस से बाहर आ गई। जब ट्रेमर्स मतलब हल्के फुल्के जो झटके आते हैं अर्थक्वेक के बाद वो रुक गए, तो उन्होंने देखा सी जो है उसका वाटर लेवल राइज कर रहा है और हर जगह केओस और कंफ्यूजन है, मतलब हर जगह भगदड़ मची हुई है। तो इग्निशियस के दो बच्चे, उन्होंने अपने मॉम के फादर और मॉम के ब्रदर का हाथ पकड़ा और वो दूसरे डायरेक्शन में चले गए और इग्निशियस अलग डायरेक्शन में चला गया, और इसकी वाइफ जो थी इग्निशियस की वो भी पानी के साथ बह गई। सिर्फ वो 3 चिल्ड्रन बचे जो इग्निशियस के साथ वहाँ जा रहे थे। इस पर है संजीव के बारे में, जो एक पुलिसमैन है कचौल आइलैंड में, और वो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड का पार्ट है। वो अपनी बीवी और अपनी बेटी को बचाने में वैसे तो कामयाब हो जाता है, पर फिर उसे आवाज़ आती है उनके गेस्ट हाउस को जॉन की वाइफ की, और उसे बचाने के लिए वो पानी में कूदता है, पर वो दोनों ही पानी के साथ बह जाते हैं। नेक्स्ट पैरा में बताया गया है 13 ईयर ओल्ड एक लड़की के बारे में जिसका नाम है मेघना। मेघना भी इस सुनामी में बही थी, उसके पेरेंट्स भी बह गए थे और साथ ही साथ 77 और लोग बहे थे, पर मेघना ने 2 दिन तक सी में काटे। वो सी में फ्लोट करती रही, तैरती रही, किस वजह से? उसने एक वुडन टुकड़ा पकड़ लिया था, लकड़ी का टुकड़ा पकड़ लिया था, और उसके ऊपर से जो रिलीफ हेलीकॉप्टर था, जो हेलीकॉप्टर ऐसे में बचाने जाता है, वो 11 बार निकला। उसने 11 बार देखा पर एक भी बार रिलीफ हेलीकॉप्टर ने उसको नहीं देखा, और वो लहरों के साथ बहते बहते शोर पर आ गई, किनारे पर आ गई। और जब उसे देखा लोगों ने तो वो डेज हो गए, डेज मतलब वो अचंभित हो गए, वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि 2 दिन कोई समुद्र में रहने के बाद भी जिंदा वापस आ गया है। नेक्स्ट हमें बताया गया है अलमा जावेद के बारे में, जो 10 साल की एक लड़की है। वो स्टूडेंट थी कार्मेल कॉन्वेंट पोर्ट ब्लेयर में, जहाँ उसके फादर पेट्रोल पंप के ओनर थे। उसकी मदर रहीला का घर जो है वो नैनकॉरी आइलैंड पे था, और उसकी फैमिली पूरी की पूरी वहाँ क्रिसमस मनाने गई थी। जब झटके आए तो सुबह सुबह उनकी फैमिली सो रही थी, झटके क्या के अर्थक्वेक के झटके आए तो वो सब सो रहे थे। तो अलमा के फादर ने सी वाटर को रिसीड होते देखा, रिसीड मतलब पीछे जाते देखा जहाँ से पहले थे। वो समझ गए कि ये बहुत ही तेज़ी से वापस आएगा और बहुत ही पावर के साथ आएगा, तो उन्होंने सबको जगाया और बोला कि चलो दौड़ते हैं सेफर प्लेस के लिए। वो सब भागे, तब उनके ग्रैंडफादर जो थे, अलमा के ग्रैंडफादर जो थे, वो हिट हो गए किसी चीज़ से उनके हेड पे और वो गिर गए,
उनको देखकर उनके फादर ने, अलमा के फादर ने उन्हें उठाने की कोशिश की और पहली जाइगेंटिक वेव आई और उन दोनों को साथ में ले गई। अलमा की मदर और आंटी कोकोनट ट्री की लीव्स को पकड़े खड़ी थी और अलमा को आवाज़ दे रही थी, और तभी एक वेव ने वो ट्री को पूरा जड़ से उखाड़ दिया और वो दोनों भी बह गईं। अलमा को एक लॉग दिखी फ्लोटिंग तैरती हुई और वो उस पर चढ़ गई और फिर वो बेहोश हो गई। जब वो उठी तो वो हॉस्पिटल में थी कमोल्टा में, जहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर वापस लाया गया था। और अलमा अब भी किसी से उस इंसिडेंट के बारे में बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो अभी भी ट्रॉमेटाइज थी। ट्रॉमेटाइज मतलब वो बहुत ज़्यादा सदमे में थी, शॉक में थी, क्योंकि उसके सामने उसकी पूरी फैमिली सुनामी की लहरों में बह गई थी। सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर स्टोरी।